हाँ बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आप मुझे बताओ क्या आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? यूपीएसआई ट्रेनिंग वालों की भी हेल्प होगी सर? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। मैं पढ़ाऊंगा नई आईपीसी तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम उस पर लेना बिल्कुल। जो यूपीएसआई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, नई आईपीसी सीआरपीसी में पढ़ाऊंगा, तुम भी ले लेना। विवेक ऑफलाइन क्लास, विवेक विवेक मेरी बात सुनो। हम लोगों ने वो बैच एक दिन दिया, लेकिन उसमें ये हुआ कि ना तो हम कंसंट्रेट ऑफलाइन पे कर पा रहे थे, ना ऑनलाइन पे कर पा रहे थे, ना ऑफलाइन पे। तो ऑनलाइन हमारा बेस्ट चलता है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास ऑफलाइन से देनी शुरू कर दी है। और आगे जाके मुझे अगर लगेगा कि भाई समय मेरे पास कम है, तो मैं पॉलिटी को भी ऑफलाइन से देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं समय बढ़ा दूंगा अपना। अब मैं 1.5 घंटे ऑनलाइन, 1.5 घंटे ऑफलाइन को दे रहा हूँ, फिर मैं 2 घंटे एक ही जगह से दे दूंगा। तो अगर तुम्हें उसमें विवेक क्लास मिली तो मेरी मिलेंगी बस, जीएस की बाकी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाकी टीचर्स उतना अभी, मतलब बच्चों को कैमरे पे भी देखना, फिर ऑफलाइन भी देखना, उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हम, क्योंकि अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, हमें लगा एक दिन के अंदर, तो हमने इसलिए उसको चेंज कर दिया। तो मैं दे सकता हूं आगे जाके पॉलिटी और ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी तो बल्कि मैं दे ही रहा हूं, 2 दिन से वहीं से दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं मैनेज कर लेता हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन टीचर्स को नहीं होता है उतना। वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? प्रिया, अनुराग, हिमालय, मुझे बताओ यार जरा, आवाज सही है? वेरी गुड, ओके। कैसे हैं सब लोग मुझे बताइए। उम्मीद है सबकी मतलब पढ़ाई और क्लास बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, और इस बात पे पूरे डेडिकेशन से लगे हुए हो कि इस बार 2 स्टार कंधे पे लगवाने ही हैं। क्योंकि मैं बड़े बैचेस के लिए ही पढ़ाता हूँ हमेशा, पीसीएस आईएएस, और तुम्हारी विशेष मांग पे मैं यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार 2021 में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। एक बच्चे ने आज कमेंट कर रखा था हमारी कल वाली वीडियो पे कि पहले ये तो बता दो पिछली बार कितने आपके भर्ती हुए। पहले उसने पूछा, भाई पहले ये तो बता दो कि कितनी बार भर्ती हुए। तो आप मुझे बताओ कि क्या मुझे उस बच्चे की बात का जवाब देना चाहिए? क्या मुझे ये उसे बताना चाहिए कि हमारे पिछली बार 2021 के पहले ही ऑनलाइन बैच में हमारे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हमें जानता है 2021 से, जैसे आप लोग जुड़े हैं, आपके जानकार सिलेक्ट हुए हैं, आपने उन्हें, उन्होंने आपको रिकमेंड किया है, आप अब किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना? यूपीएसआई के लिए कौन सा बैच अच्छा है, पुराना वाला, न्यू वाला? सब बैच एक ही है, अलग अलग नहीं है बेटा। रैंकर्स बैच 3.0 सेम ही बैच है, बस एक में 18 महीने की वैलिडिटी है, एक में 1 साल की वैलिडिटी है। कंप्लीट बैच है वो, पांचों टीचर्स, हम सब सब्जेक्टों का कंप्लीट एक ही बैच है वो, ओनली फॉर यूपीएसआई के लिए, यूपीएसआई के लिए। अरे यार जितेंद्र, तू बेकार की बात कर रहा है। मैंने कल बताया था तुझे, बता दी थी ये बात, बिहार पुलिस की कोई क्लास नहीं, बिहार पुलिस की हमारे यहाँ पे कोई क्लास नहीं चल रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अजीत, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब ठीक है ना? पढ़, अब मेहनत से पढ़ भाई। लाइक वाइक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अच्छा, टॉपिक क्या है आज का समझिएगा। आज का टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नई वाली आईपीसी को जब हम पढ़ेंगे, या जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हम उसे किस तरह से पढ़ेंगे, और आप लोग जब इसे पढ़ते हैं तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं। क्योंकि पूरी आईपीसी तो मैं आज नहीं पढ़ा सकता, तो मेरा आज एक उद्देश्य ये था कि भाई नई वाली जो आईपीसी को लेके बच्चा डर रहा है, और पुराने वाले सेक्शंस उसने याद कर रखे हैं, तो पुरानों वालों को दिमाग से निकाल दो और नई वाली आईपीसी के सेक्शंस को आप देखना शुरू करो, ओनली फॉर यूपीएसआई सेक्शन के लिए। भाई यूपीएसआई जीएस का अलग बैच है विनय, कोई भी बच्चा मुझसे नया जुड़ रहा है, जो बैच के बारे में जानना चाहता है, किसी और के बारे में जानना चाहता है, डिस्काउंट के बारे में जानना चाहता है, वो कल रात की मेरी 8 बजे की वीडियो देख ले, जिसपे कल मैंने 3300+ वाला थंबनेल लगाया। 3300+ की आधिकारिक वैकेंसी क्लियर हो गई, और डिस्काउंट, महा डिस्काउंट, वो कल रात की वीडियो देख लो बेटा। आप जो भी मुझसे नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो डिस्काउंट आपको वो 500 रुपये का मिल रहा है, वो केवल कल रात 12 बजे तक चलेगा, यानी आज से लगभग 24 घंटे बचे हुए हैं। 24 घंटे में अगर आपने बैच ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज फिर वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट, यही कल का थंबनेल था सेम, तो इस थंबनेल पे कल वाली वीडियो जाके देख लो, और ये जो डिस्काउंट है इसकी बात कल मैंने आपको बता दी थी सब बच्चों को। तो अब आप मुझसे, आज भी बहुत सारे मैसेज आए कि जी कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग यूट्यूब पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं हमारे साथ? आप लोग यहाँ रहते नहीं है तो हम क्या बताएंगे आपको, मुझे यही समझ नहीं आता आपका।
कल मैं वीडियो बना चुका, कल मैं बता चुका, आज फिर मैसेज कर रहे हैं जी कहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे लेंगे। हद है यार तुमसे, मैं तुम्हारा ही समझ नहीं आता। मैं आईपीसी में भ्रष्टाचार अधिनियम भी करा देना। हाँ कराऊंगा, जो अधिनियम मेरे मूल विधि में रह गए हैं। मूल विधि में देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक तो जितने भी एससी एक्ट है, एसटी एक्ट है, ओबीसी एक्ट है, ठीक है ना, मानवाधिकार है, मानवाधिकार है। एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब सूचना का अधिकार है आपका, सूचना का अधिकार है आपका। और भ्रष्टाचार अधिनियम तो मैं करा चुका हूं, भ्रष्टाचार अधिनियम तो मैं करा चुका हूं। यार जितेंद्र तू हद कर रहा है, तू मुझसे पुराने समय से पढ़ रहा है, बच्चा भी नया पढ़ रहा है, फिर वही बात, तुझे मैं मना कर चुका फिर भी नहीं मान रहा है। बहुत मजा आ रहा है ना क्लास में, देखो ऐसे ऐसे कमेंट करो तुम, तब तो अच्छी बात है। आदित्य कह रहा है जैसे सर आपका बैच लिया, मजा आ रहा है पढ़ने में, ये तो अच्छी बात है। किसी को 200-400 रुपए का फायदा हो भी गया, हो गया कोई बात नहीं, उसमें इतना क्या मानना है, कोई बात नहीं। तुम दरोगा बन के लाखों कमा लेना भाई, क्या समस्या हो गई। मेरे से पढ़ने की चीजें लो, मेरे से मेहनत की चीजें लो। हाँ ऑफलाइन से मैं ऑनलाइन दे रहा हूं, केवल केवल आपका ऑफलाइन से जो ऑनलाइन में दे रहा हूं वो केवल आपका अभी ज्योग्राफी दे रहा हूँ। आगे जाके जब मैं पॉलिटी को लंबा पढ़ाऊंगा ना, डेढ़ दो दो ढाई घंटे पढ़ाऊंगा, तब मैं देना शुरू कर दूंगा। अभी तो अलग अलग ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं मैनेज करता हूँ, बाकी टीचर मैनेज नहीं कर सकते। अरे सब एक ही बैच है शुभम कुमार, कल मैंने बताया था भाई सुभाष, एक ही बैच है, अलग अलग बैच नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पॉलिटी के साथ पढ़ाऊंगा, इनकी चिंता ना करो, ठीक है। चलो अब मैं जो टॉपिक है उसको लेके जरा चलता हूँ। तो कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, जरा ध्यान दीजिए इस वाली, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं जरा पीडीएफ को, उम्मीद है ये शायद आपको दिख जाए। एक्चुअली मैंने इसको बनने के लिए दिया था आज टाइपिंग पे, पर यार ये हो नहीं पाई, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये मैं पूरा उस डेडिकेशन से समझा नहीं पाऊंगा, मैंने इसको कोई बढ़िया वो दिया था। क्लियर, देखो जरा ध्यान से, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो पहले सवाल, अब सवाल कैसे शुरू होंगे, सवालों को कैसे समझेंगे आप, आप किस तरीके से आईपीसी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली आईपीसी में आप ये पढ़ते हैं जी 1860 में मैकाले ने बना दी वो, और मैकाले जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। लेकिन अब सीधा सीधा सा सवाल है आपके लिए कि अभी जो भारत का नई न्याय संहिता बनी है उसका नाम क्या है। साफ सा सवाल, बिल्कुल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो जो अभी न्याय संहिता बनी है इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि जो आपका नाम इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड है ना, भारतीय दंड विधान था ये, तो ये खत्म हो चुका है। अब नाम है भारतीय न्याय संहिता यानी इंडियन जस्टिस कोड 2023। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई समस्या तो नहीं बेटा, यहां पढ़ लो यार, कमेंट नहीं कर चैंपियन मांझा, पढ़ ले यहां पे, ठीक है, पढ़ ले, कमेंट नहीं करो अब तुम, है ना, लाइक वाइक कर लो, बस इतना कर लो। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अध्याय वन में क्या दिया है, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप कैसे पढ़ेंगे पेपर में, पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना, गलती मत कर देना। अब माना आपने आईपीसी पढ़नी शुरू करी और आपने इस तरीके से रटना शुरू कर दिया कि जी हमें बताइए कि आईपीसी के सेक्शन नंबर एक में क्या है। तो सेक्शन नंबर एक में है इसका संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ और ये कब से लागू होगा, ये इसका आंसर है। अब क्या ये वास्तव में लागू हो चुकी है, नहीं लागू नहीं हुई है। सेक्शन नंबर दो में क्या है, तो हमने कहा परिभाषाएं हैं। सेक्शन नंबर तीन में क्या है, तो हमने कहा साधारण स्पष्टीकरण और पद हैं, यानी क्या क्या क्लेरिफिकेशन आएंगी, कौन कौन सी वाद आएंगी, कौन कौन सी बातें और कौन कौन सी पोस्ट की बात आएगी। तो क्या इस तरीके से हमें पढ़ना है। अध्याय दो में क्या है, आपने पढ़ा जी अध्याय दो दंड के विषय में बात करता है, तो आपने पढ़ा कि सेक्शन नंबर चार में दंड की बात करी गई है, केवल दंड आपने इतना पढ़ लिया, नहीं ये गलत है। अब पढ़ने का तरीका देखो, जब आप इसको पूरा देखोगे तो यहां तो केवल सिंपल सिंपल धाराएं आपको दे रखी हैं, ऐसे नहीं पढ़ना बच्चों। जब इसमें हम नीचे जाएंगे और हम इसको प्रॉपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें अंतिम जो सेक्शन है वो 356 है, यानी कि 511 धाराओं से घटाकर अब इसमें सेक्शन रह गए हैं केवल 556, और ये बल्कि सिंपल भाषा में रह गए हैं, सरल भाषा बनाई गई है इनकी, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसका अगला पेज देखो जहां से शुरू होती है, ये देखो ये पढ़ना है आपको, और ऐसे पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिए इस बात पे। अब जैसे हमने, जैसे मैंने आपको पॉक्सो पढ़ाया, जैसे महिलाओं के खिलाफ अधिनियम पढ़ाए, बच्चों के खिलाफ अधिनियम पढ़ाए, उनमें हमने क्या पढ़ा, उनमें हमने यही तो पढ़ा कि भाई सेक्शन वन क्या होता है, सेक्शन दो क्या होता है। मैंने आपको सिंपल सिंपल भाषा में याद कराए थे कि जब भी कोई
अधिनियम बनाया जाता है, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो हमेशा उसमें सेक्शन नंबर जो वन है वो उसके नाम, उसकी प्रवर्तन डेट और उसके प्रारूप को बताता है कि कहां कहां ये लागू होगा। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा बेटा, यहां तो केवल मैं इंट्रो दे रहा हूं यूट्यूब पे, ये तो पूरा आईपीसी सीआरपीसी मेरा बैचों में चलेगा जो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चिंता ना करें आप। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई नोट्स नहीं बनाने, वो सब एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा मैं। ना ना नोट्स नहीं बनाने संजीव, ये सब मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि नई वाली आईपीसी को लेके जो आप लोग डर रहे हो, तो आप लोग क्यों डर रहे हो, चिंता नहीं करो। अब मेरा पढ़ाने का तरीका देखो जरा। तो हमने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या दिया गया है, अब इसका यह पूछा जाए कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है या क्यों बनाई गई है यह संहिता, हमें यह ध्यान देना है। तो आप यहां नीचे एक बार देख रहे हैं, अपराधों और शास्ति, ये शास्ति का मतलब क्या होता है, सजा देना, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा। अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंधों का समेकन करना, यानी उनको एक तरह से फॉलो करवाना, उसमें संशोधन, उससे संदाय और उससे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के विधेयक, यानी कि ये जो दी गई है न्याय संहिता, ये अपराधों और जो दंड है उनका समेकन करने के लिए, उनको एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने के लिए इसको लाया गया है संशोधन को। बात समझ में आई? तो उद्देश्य क्या है, अपराध और सजा जो है उसके उपबंधों का समेकन करना है, ये बात है। दूसरी बात क्या है, भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में, ध्यान दो, क्वेश्चन सीधा सीधा बना देगा कि भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई है ये भारतीय गणराज्य का कौन सा वर्ष, 74वां, क्योंकि हम मतलब आजादी के बाद में अब 74th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, तो 74वें वर्ष में। अब यहां देखिए अध्याय एक, अध्याय एक का नाम क्या है, प्रारंभिक, यानी स्टार्टिंग में जो चीजें दी गई हैं। अब यहां इसकी हेडिंग है, इधर जाके राइट में आप देखेंगे तो यहां क्या लिखा है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो हमेशा सेक्शन नंबर जो वन बताता है किसी भी कोड का, किसी भी अधिनियम का, याद रखिएगा, वो उसका नाम बताता है, उसका प्रारंभ बताता है, कब से प्रारंभ माना जाएगा और कब से लागू होगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि क्या ये आईपीसी शुरू हो गई अभी, नहीं अभी शुरू नहीं हुई, सेक्शन नंबर वन जरा पढ़ो, देखो क्या कहता है, सेक्शन नंबर वन का पार्ट नंबर वन है ये, सेक्शन नंबर वन का पार्ट नंबर वन है, ये कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरी बात, यह ऐसी तारीख से प्रवर्तन होगा यानी लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना। अब यह राजपत्र क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट का एक गजट, जहां पे वो किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक को देना चाहती है। तो गजट में जब चीज कोई प्रकाशित हो जाती है, हम ये कहते हैं वो तब से देश में लागू मानी गई है। तो ऐसी तारीख को प्रवर्तन होगा जिसे केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करवाएगी इसको, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि फिक्स करे कि भाई इस तारीख को लागू करना है। संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी संहिता एक ही बार में लागू होगी। संहिता के कुछ हिस्सों को अगर पहले लागू करना है, कुछ हिस्सों को बाद में लागू करना है, तो नियत यानी भिन्न भिन्न उपबंधों को अलग अलग तारीखों पर लागू किया जा सकता है। अभी वन खत्म नहीं हुआ, यह केवल अभी बता रहा है इसका नाम और इसका लागू होना। अब जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन बनाया कि कोई भी संहिता या कोई भी इंडियन गवर्नमेंट का जो अधिनियम होता है वो कब लागू होता है, तो हमेशा याद रखो जब राजपत्र में उसकी अधिसूचना आ जाती है, जब वो इंडियन गजट में प्रकाशित हो जाता है तब होता है वो। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो आपको चीजों को कैसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखिए, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल, ध्यान दो, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत, यानी कि अनुकूल का मतलब तो मानना, प्रतिकूल मतलब नहीं मानना। तो हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य, गौर से देखना, हर कार्य यानी जो उसको वर्क दिया गया, लोप, यहां पर एक शब्द लिखा है लोप, है ना, आपको शायद दिख रहा होगा क्लियर, लोप, इसका अर्थ क्या होता है, लोप का अर्थ होता है कि जब आप अपनी ड्यूटी को पूरा ना करें, यानी कि आप मिसचीफ कर जाएं, आप चोरी कर जाएं अपनी ड्यूटी से, जब आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं तो वो लोप कहलाता है, ड्यूटी को फुलफिल ना करना। जैसे सपोज आप एक दरोगा बन जाते हैं, आपकी ये ड्यूटी है कि भाई आप रोज रात को 10 बजे अपनी बाइक से या गाड़ी से आप अपने इलाके का एक सर्वे करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे। आपने उसको एक दो दिन लगाया, तीसरे दिन आपने कहा कि भाई मैं नहीं लगा रहा, मैंने किसी और को भेज दिया, और वहां जब वो बंदा गया तो वहां कोई बात घटना घटित हो गई, तो आपसे पूछा जाएगा भाई आप कहां थे, आप क्यों नहीं गए, तो आप कहेंगे जी मैं नहीं था। इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी को स्किप कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इसी को लोप कह रहे हैं।
मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, इसी को लोप कह रहे हैं। तो लोप का मतलब है ड्यूटी को पूरा ना करना। शब्दों को याद करना शुरू करो, ये शब्द पेपर में फंसाएंगे। तो जब कोई प्रतिकूल कार्य लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर, गौर से देखो, दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति जो भी कार्य करेगा या जो भी लोप करेगा, कार्य के लिए दंड है, लोप के लिए भी दंड है। कार्य, मर्डर कर दिया, किसी की पिटाई कर दी, चोरी कर ली, ये कार्य है, ये अपराध की श्रेणी में आएंगे ये कार्य। और जो लोप कर दिया, उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो जो लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं उनके लिए भी दंड है, उनके लिए भी शास्ति है। तो जो इस संहिता के अकॉर्डिंग, अब जो भी भारत में कोई कार्य करेगा जो अपराध की श्रेणी में जाएगा, या कोई लोप करेगा अपनी ड्यूटी से, वो अपना मुंह चुराएगा या ड्यूटी नहीं निभाएगा, इसी संहिता के तहत उसको दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई और दंड के लिए और कोई प्रावधान नहीं होगा जो इस संस्था के तहत, इस मतलब इस उपबंध के तहत कोई प्रतिकूल कार्य करेगा। मतलब जो इसमें बताए गए हैं, अगर वो कार्य अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही दंड दिया जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है भाई? पढ़ रहे हो बेटा? मुझे नहीं पता कुलदीप उसके बारे में, है ना? उसके लिए तुम वो देख लो, कोई क्या बोलते हैं, कोई वीडियो देख लो किसी सिविल के बच्चे की ना, वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा, जिसने बच्चे ने क्रैक करा होगा उसका देख लो। हाँ भाई, अब दूसरी बात सुनो, यहां पे क्या लिख रहा है, भारत से परे। अब देखो सेक्शन नंबर 4, मतलब सब सेक्शन है ये, सब सेक्शन, पहले सेक्शन का ही सब सेक्शन है, आपको ध्यान से देखना है। साफ नहीं दिख रहा मुझे, पता है यार, ये मैंने टाइप करने के लिए दी थी पर ये टाइप हो नहीं पाई आज, ये एक्चुअली इतनी बड़ी है, फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। भारत के परे किए गए अपराध, भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, यानी कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति विदेश में जाके कहीं क्राइम कराता है, विदेश में जाके कोई अपराध कराता है, तो वह भारतीय विधि के अनुसार ही विचारण का पात्र होगा। इंडियन विधि के द्वारा ही उस पर एक ट्रायल, यानी एक विचारण किया जाएगा। ट्रायल का मतलब है उस केस को सुनना। भारत से परे किए गए किसी, मुझे भी साफ कम दिख रहा, लाइट आ रही है ऊपर, कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा करता, मतलब ऐसा कर पड़ता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये बना, जरा ध्यान देना मैं क्या बना रहा हूं, कि भारतीय, कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है, अपराध करता है, तब वह विचारणीय होगा, विचारणीय होगा, ये क्वेश्चन आ गया, तब वह विचारणीय होगा। किससे विचारणीय होगा? भारत के कानून से विचारणीय होगा, विदेशों के कानून से विचारणीय होगा। तो पहली बात तो जो व्यक्ति जिस देश में जाके क्राइम करेगा वहां का कानून भी उस पे लगेगा और भारत का कानून भी उस पे लगेगा, यानी कि वो दोनों से विचारणीय होगा। अब वहां का जो लगेगा वो जाने, लेकिन हम अपनी बात जानते हैं कि हमारा भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में जाके कहीं क्राइम करके आता है तो उस पर भारत का भी क्या लगेगा, एक मतलब इस संहिता के तहत उसे अपराधी माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है कि जो भारतीय न्याय संहिता आपने बनाई है 2023 वाली, इसके तहत वो 2023 के तहत विचारणीय होगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर कोई अपराध कर देता है तो यह माना जाएगा कि वो इंडिया के अंदर अपराध कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है कि वो इंडिया के अंदर उसने अपराध करा है, ये ऐसा माना जाएगा। इसके बाद पांचवा सेक्शन क्या कह रहा है, इस संहिता के उपबंध, भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी भारत के बाहर कोई भारतीय नागरिक भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत पोत द्वारा, ये आपने पुराने में भी पढ़ा था, बिल्कुल पुरानी चीजों को नई में ढाला गया है जो हमारे काम की है। भाई कोई भारतीय जहाज है वो समुद्र में घूम रहा है, कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पे घूम रहा है, उस पर कोई क्राइम हो जाता है, गौर से सुनिएगा। भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि केवल भारत की बाउंड्री के अंदर है। अगर भारत का कोई वायुयान हवा में उड़ रहा है और वो यूरोप के में कहीं ऊपर है और उस प्लेन के अंदर कोई अपराध हो जाता है, जबकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर में है, या वो समुद्र में कोई पोत है पानी का और उस पे कोई अपराध हो जाता है, तो यह मान के चला जाएगा कि वो भारतीय भूमि पर अपराध हुआ है, क्योंकि वो भारत का ही ऑब्जेक्ट है।
तो आप ऐसे भी इन चीजों को समझिए कि माना कोई शिप जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, वहां पर कोई मारपिटाई हो गई, कोई चोरी चकारी हो गई, कोई मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो भारत की धरती पर माना जाएगा। तो उस पर कौन सी संहिता के तहत दंड लगाया जाएगा? इसी के तहत दंड लगाया जाएगा। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है कुलदीप? बात समझ में आ रही बेटा? तो भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत द्वारा विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी द्वारा या किसी भी अपराध को लागू हो, भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, जैसे आप कहते हैं हैकिंग कर ली, चाइना ने हैकिंग करा दी, अमेरिका ने हमारे ऊपर हैकिंग करा दी, तो भारत में लक्षित कंप्यूटर संसाधनों को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और किसी स्थान से व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, यानी कि हैकिंग के थ्रू। अभी पारित नहीं हुआ? हाँ, अभी पारित नहीं हुआ संसद से, लेकिन पारित 100% होगा यार, इसलिए तुम समझ लो ही आ गई आईपीसी। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये बिल फेल हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पास करा लेगी। तो क्रीबल, क्या नाम है तेरा, क्रिक बॉल, क्रिकेट की बॉल, क्रिक बॉल लिख रखा है तूने अपने आप को, तो क्रिकेट की बॉल बेटा इसे पढ़ ले, क्योंकि पढ़नी तो पड़ेगी ये तुम्हें, और ये पेपर में आने वाली यही है अब, क्योंकि जब तक तुम्हारा पेपर आएगा ना, तब तक ये संसद से पास हो जाएगी। अगर संसदीय क्रियाविधि को जानते हो, कितनी बार लिखेगा इस बात को पता है मुझे, मुझसे ज्यादा थोड़ी जानता होगा संसदीय क्रियाविधि। अब सुनिए, यहां पर एक इन्होंने दृष्टांत दिया है, यानी एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और खास तौर से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू ही बनाए जाते हैं, समझ रहे? देखिए क्या कह रहा है। जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर परे हत्या करता है, भारत के बाहर कहीं हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां भी पाया जाता है, हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकेगा। एक जनरल एग्जाम्पल आपको देता हूं। माना किसी व्यक्ति ने मर्डर किया किसी विशेष क्षेत्र में, माना मैंने कहा जैसे मैं हापुड़ हूं, हापुड़ के इलाके में किया, तो उस व्यक्ति को जो एक उसका जो विचारण होगा, उसको जो पुलिस उसके वो कहते हैं ना सीन, कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे वो अपराध हुआ है, तो अपराध के लिए जो यहाँ का थाना क्षेत्र होगा वो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर इंडिया के बाहर अपराध कर रहा है, अब क्या वो इंडिया के अंदर तो नहीं है, तो थाना क्षेत्र इंडिया का तो लगना नहीं, अब फ्रांस में या अमेरिका में या कहीं भी हमारा तो लगना नहीं, उसने वहां पे हत्या करी, वहां की पुलिस ने पकड़ लिया, अब या तो वो सजा दे या तो हम दे, तो वो हमें डिपोर्ट कर देंगे कि जी आपके आदमी ने हमारे यहां अपराध करा है, हम उसको लेंगे और अपने यहां पे ले आएंगे। अब ये क्या कह रहा है सेक्शन, कि भारत का नागरिक जो भारत के बाहर हत्या करता है, भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए, यानी कि अगर वो वापस इंडिया में आ गया, चाहे वो उसे पुलिस लाई, चाहे वो खुद घुस के आ गया, चाहे वो चोरी से आ गया, अब वो इंडिया में जहां भी पकड़ा जाएगा उस पर वही विचारण होगा, वही दोष सिद्ध होगा। समझ पा रहे हो? माना यूपी का कोई नागरिक हत्या करके कहीं बाहर विदेश में और तमिलनाडु में जाके छुप गया, तमिलनाडु में वो पाया गया, तो तमिलनाडु में ही उस पर विचारण होगा, तमिलनाडु में ही उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा, भारत में कहीं भी दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक से फंसाना चाहता हूं, आप क्वेश्चन मेरा समझिए, देखना जरा। भारतीय न्याय संहिता, क्वेश्चन बताना, 2023 के अनुसार यदि भारतीय नागरिक विदेश में हत्या करके भारत में आता है, तब उस पर विचारण यानी ट्रायल व दोष सिद्धि होगी। अब माना ए ऑप्शन इसने दे दिया, वहीं जिस स्थान का वह नागरिक है, पहले ऑप्शन में ऐसे फंसा दिया, दूसरा वहीं जिस स्थान पर अपराध हुआ है, अब अपराध तो इंडिया के बाहर हुआ है, वो क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि अपराध तो इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा इसी चीज को पकड़ लेगा कि भाई मैं तो कह रहा हूं उसने अपराध तो इंडिया के बाहर करा है, अब वो बच्चा पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन को, बस उसने अपना दिमाग लगा दिया, कह रहा है जी कहां पे विचारण होगा, तो उसने कह दिया जी जहां पर अपराध हुआ है, ये तो तुम्हें फंसाने के लिए दिया गया है, ये सही नहीं है, क्योंकि अपराध तो इंडिया के बाहर हुआ है। तीसरा देखो, वहीं जहां वह भारत में पाया जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर ये है
यानी कि भारत के बाहर कोई व्यक्ति यदि अपराध करके इंडिया में घुस आता है तो इंडिया में वापस आके वो उसी जगह जहां पकड़ा जाएगा, जहां मिलेगा वहीं उसको विचारण किया जाएगा, यानी वहीं की कोर्ट में उसको डाला जाएगा और वहीं पर उसका केस चलाया जाएगा, तो वहीं जहां भारत में पाया जाता है। इस तरीके से हर सेक्शन की लाइंस आपको समझनी होंगी, क्योंकि ये पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और क्योंकि आप दरोगा बनने वाले हैं तो आप याद रखिए, दरोगा का तो पहला काम ही पूरी आईपीसी, पूरी सीआरपीसी, पूरे इविडेंस एक्ट और बाकी एक्टों को उंगलियों पे लाना है, क्योंकि आप ही लोग स्टार्टिंग में किसी चीज का ट्रायल देखेंगे, आप ही लोग सबसे पहले इन चीजों को देखेंगे जो चीजें समाज में बुराई पैदा कर रही है, अपराध हो रहा है। तो आप ही तो वो लोग होंगे जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे, क्योंकि आप ही तो आईओ बनेंगे, आप ही तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो आपका हिस्सा होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आप ही के हाथ में दी जाने वाली है, उसके बाद में आगे कहीं जाएगी। तो आपको इसको तो चाट जाना है रख के, और ऐसा कर देना है, क्योंकि ये मत सोचना कि इससे केवल मेरा पेपर पास होगा। बच्चों, पेपर पास तो होगा ही, लेकिन आपके पूरे जीवन ये साथ रहने वाली है। तो इसको तो आप इस तरीके से पढ़ना कि आपका तो पूरे जीवन इससे पल्ला पड़ने वाला है, क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है। दिमाग में मान के चलो कि मुझे सेलेक्ट होना है और मुझे इसका पल्ला पड़ना ही है, तो मैं इसको समझ के पढ़ूंगा। अंडरस्टैंड है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहां तक? समझ पा रहे हैं तो यस कर दो बड़ा जल्दी से, या थम्सअप बना दो एक। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो समझे ना। तो इसमें यही तो लिखा गया है कि वह व्यक्ति भारत में जो भारत के बाहर अपराध करके आया है, भारत के बाहर यदि उसने कहीं हत्या करी है और वह भारत में पाया जाता है, तो जहां वो पाया जाएगा, जहां पाया जाए, ये ना आंसर, जहां पाया जाए वहीं पर वह क्या माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। आप बात समझ पाई मेरी? आप समझ पाए कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्वेश्चंस निकालने होते हैं, कैसे हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, यहां से वैसे क्वेश्चन बन सकता है, यहां से ये पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे। अब इस संहिता की, ध्यान दीजिए, इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर आपकी बात कर रहा है, क्योंकि आप राज्य की सेवा में होंगे लेकिन भारत की सेवा में भी तो होंगे, तो यानी सेंटर और स्टेट दोनों की बात कर रहा है। तो इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सैनिकों, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह अभिसंहत को दंडित करने के किसी अधियोजन के उपबंधों या किसी विशेष स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब अगर कोई भारत का सरकारी कर्मचारी है, कोई सैनिक है, नौसेना, वायुसेना, जलसेना का, वो विद्रोह कर देता है, वो कहता है जी मैं नहीं कर रहा नौकरी, ये अपने ऑफिसर की बात नहीं मान रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसने एक विद्रोह की प्रवृत्ति अपनाई, तो ये जो विधि है ये उस विद्रोह को रोकने के लिए जो उनकी अपनी विधि होगी उस पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जो ये संहिता है ये किसी और लॉ पर, किसी और कोड पर ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से वो वाला कोड या वो वाला अधिनियम नेगलेक्ट हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई भी विधि किसी दूसरी विधि का हमेशा समर्थन करती है, याद रखिएगा, कोई भी विधि दूसरी विधि के अपोज में नहीं आ सकती। ऐसी कोई प्राइमरी और सेकेंडरी विधि, प्राथमिक और द्वितीयक विधियां नहीं हो सकती जो एक दूसरे को क्या करती हो, एक दूसरे को अपोज करती हो, हमेशा याद रखना। इसलिए उसने कहा कि यह किसी और विधि के उपबंधों पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। सेम है भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं सेम ही पढ़ाता हूं, मैं ही तो हूं, मेरी एक ही आवाज है, एक ही दिमाग है, दो ही हाथ हैं, तो मैं ही तो लिखता हूं और ये सब तो पढ़ाऊंगा मैं आगे। चलिए आगे, ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है आपको, मैं तो पढ़ाऊंगा ये आईपीसी सीआरपीसी, अभी मैंने पढ़ाई नहीं है बच्चों में। दूसरा देखिए, इस संहिता में जब तक संदर्भित ना हो, अब यहां से सेक्शन नंबर 2 से शुरू होती है, यहां ध्यान दो क्या लिख रहा है, परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशन। अब डेफिनेशंस क्यों, क्योंकि जब आप इस संहिता को पढ़ेंगे, इस कोड को पढ़ेंगे, तो बीच बीच में बहुत सारे वर्ड आएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा इस वर्ड का क्या अर्थ है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, माना मैं ये कहूं यहां पे कि सेक्शन नंबर 2 के, मैं अगले पेज पे जाने की कोशिश करूं, हाँ, सेक्शन नंबर 2 के, सेक्शन नंबर 2 के 4 में किस परिभाषा का वर्णन किया गया है, या सेक्शन नंबर 2 के 4 में क्या बताया गया है। तो आप यहां जरा ध्यान दीजिए,
परिभाषाएं सेक्शन नंबर दो में शुरू होती हैं और इसका पहला कहता है कार्य, यानी कि कार्य का क्या अर्थ होगा। जब कोई वर्क किया जाता है, जब कोई भी एक्शन किया जाता है, तो क्या वो एक्शन अपराध की श्रेणी में आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो क्या है, नहीं आ रहा है तो क्या है, तो ये वाली बातें हैं। दूसरी बात, सेक्शन नंबर दो के दो में जीव जंतु है। जीव जंतु का क्या अर्थ है भाई, कोई भी जीवधारी जिसमें जीवन है वो जीव जंतु कहलाएगा। तीन का क्या अर्थ है, कूटकरण। ये देखो, कूटकरण आपने पिछली वाली आईपीसी में भी पढ़ा होगा, ध्यान दो क्या होता है कूटकरण। आपने कोई सिक्का है, उस सिक्के का डुप्लीकेट बना दिया, किसी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट बना दिया, किसी रुपए का डुप्लीकेट बना दिया, तो कूटकरण मींस डुप्लीकेसी। यानी कि जब आप कहते हैं नकली नोटों का चलन हो रहा है, तो किसी की जगह किसी और को स्थापित कर देना इस कूटकरण, समझ पा रहे हैं, किसी की जगह किसी और को स्थापित कर देना। तो कूटकरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के संशय में उपस्थित करता है, मैंने क्या कहा, एक की जगह दूसरी को बदल देना कूटकरण है, असली नोट की जगह नकली नोट छाप देना कूटकरण है। तो अगर कोई कूटकरण करता है, कोई जाली नोट चलाता है, तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई होगी, पहले कूटकरण को समझना तो पड़ेगा। अब न्यायालय के सामने गए, न्यायालय के सामने बोले कि साहब इसने डुप्लीकेट नोट बनाए हैं, तो न्यायालय समझेगा कि डुप्लीकेट का मतलब क्या है, तो वो कहेगा जी कूटकरण है, तो न्यायालय देखेगा कूटकरण की परिभाषा क्या है। कूटकरण की परिभाषा है एक चीज को दूसरी के सदृश्य में इस आशय से प्रस्तुत करना कि भाई पहली वाली को हटा के मैं दूसरी को प्रबंधन में चला दूं, प्रवंचना में चला दूं, झूठे में चला दूं, तो वो कूटकरण कहलाया। तो कहां पे है परिभाषा, याद करो, सेक्शन नंबर दो का ऑब्लिक तीन, सेक्शन नंबर दो के सब सेक्शन तीन में कूटकरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन नंबर, अच्छा यहां कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी हो। सबसे इंपोर्टेंट चीज देखो, किसी ने नोट बनाया, तुम्हारी बात कर रहा हूं, माना चलो कोई खुराफाती दिमाग है, फोटोकॉपी मारी और पता नहीं कैसे कैसे करके कूटकरण कर दिया, एक 2000 का नोट बना दिया। अब 2000 का नोट उसने गुलाबी उलाबी करके बना दिया, बन तो गया लेकिन वो 70% मैच हुआ, उसने कहीं चला दिया जाके, अंधेरे में कहीं चल गया, किसी बूढ़े आदमी के पास चश्मे नहीं थे उसके। अगले दिन वो बूढ़े आदमी को देखा, भाई ये तो नकली है, पुलिस वुलिस बुलाई गई जी, वो आया था रात को मेरी दुकान पे, फलाने का लड़का पकड़ लिया। अब वो कहे कि जी मैंने तो सेम नहीं बनाया, मेरा तो तुम देख लो, मेरा तो आधा मैच नहीं करता, तो मैं तो दोषी नहीं हूं, मैं तो वैसे ही चला गया, इन्होंने चला लिया अंधेरे में। तो तुम यहां देखो क्या लिख रहा है, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी ही हो, यानी 100% मैच कर रहा है कूटकरण, यह जरूरी नहीं है। अगर किसी ने डुप्लीकेट नोट बनाने की कोशिश करी और 50-60% भी मैच कर गया, तो समझो क्राइम कर दिया, आपने वो करा ही क्यों, आप बात समझ पा रहे हैं, आपने उसकी तरफ चेष्टा करी ही क्यों, तो कूटकरण का मतलब ये हुआ, समझे। जब कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य कर दे, एक चीज के जैसा दूसरे को बना दे, एक चीज के जैसा दूसरे को दिखा दे, बिल्कुल सदृश्य कर दे ना, सेम ना हो, 100% ना हो, 80% 90% कुछ भी हो, ऐसा दिख रहा है वो सेम सेम, और ऐसा दिखाई दे कि किसी व्यक्ति की प्रवंचना हो सकती है, यानी किसी को झूठा दिखाया जा सकता है, किसी को फंसाया जा सकता है, किसी का बेवकूफ बनाया जा सकता है, प्रवंचना हो सकती है, तब तक ऐसा स्थापित किया जाएगा, अवधारणा की जाएगी कि व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के प्रकार बनाता है, दूसरी की चीज के जैसा बनाता है, और प्रवंचना करने के उद्देश्य से उसको आगे प्रवंचना कराता है, यानी उसे चलाता है। तो यानी कि जो आपका उद्देश्य था उस व्यक्ति का, वो गलत था, समझ पा रहे हैं। सेक्शन नंबर जो दूसरे का सब सेक्शन चार है, दूसरे का सब सेक्शन चार, तो दूसरे का सब सेक्शन चार जरा गौर से देखना, मैं क्या कह रहा हूं, न्यायालय की परिभाषा दी है, यानी कि कोर्ट की परिभाषा दी है, क्या कहता है, शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायांकित कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, यानी कोई एक व्यक्ति, एक उस न्यायाधीश को जो एक व्यक्ति इसने कानून ने बिठाया है कि तुम न्याय करो, तुम न्यायांकित कार्य करो, तो कोई एक व्यक्ति न्यायालय होगा, समझिए न्यायालय का अर्थ ये नहीं है कि दीवारें लगी हो, कुर्सी लगी हो, टेबल लगी हो, सामने पब्लिक बैठी हो, ये न्यायालय नहीं होता। उसने न्यायालय की परिभाषा क्या दी है, यही तो हमें समझना है। वो कह रहा है कि न्यायालय का अर्थ है भाई उस न्यायाधीश से जिसने अकेले ही न्यायांकित कार्य, अकेले ही न्याय का कार्य
करने के लिए उसे विधि द्वारा सशक्त किया गया। आप कहेंगे जी अकेला न्यायाधीश कहां होता है, बहुत सारे कहीं कहीं ज्यादा न्यायाधीश भी होते हैं, तो आगे उस लाइन में कह रहा है वो, या उस न्यायाधीश निकाय न्यायाधीशों की बॉडी यानी एक से ज्यादा लोग न्यायाधीश निकाय को जिसे एक निकाय के रूप में न्यायकित करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। एक बॉडी जो है, कई सारे न्यायाधीशों का जो पैनल है उन्हें एक बॉडी मान के उन्हें न्याय करने के लिए कानून ने उनको ताकत दी है, उनको शक्तिशाली बनाया है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधिकरण व्यक्तिगत कार्य मतलब न्यायिकित कार्य कर रहा हो, जब वह कोई न्यायाधिकरण या कोई न्यायाधीश न्याय का कार्य कर रहा है, ध्यान दीजिए न्याय का, जब वो कार्य कर रहा है तब वो न्यायाधीश है। अगर कोई न्यायाधीश अपने न्याय के चैम्बर यानी कि जो कोर्ट की टाइमिंग होती है, गौर से सुनो, आपको मैं एक बताता हूं एग्जाम्पल। कोर्ट की टाइमिंग में हम ये कहते हैं कि जी 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जब न्यायालय में न्यायाधीश न्याय के कार्य कर रहा है तब वो न्यायाधीश है। अब आपने ये सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई कोई भी न्यायाधीश, कोई भी अधिकारी अगर अपनी गाड़ी में नहीं है और उसकी नंबर प्लेट पर न्यायाधीश लिखा है तो पहली बात तो छिपा के चलेगा, दूसरी बात कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट गाड़ी में पीछे न्यायाधीश लिख देना, पीछे प्रधानमंत्री लिख देना, या आपने कोई कास्ट का नाम लिख दिया, आपने कोई जाति का नाम लिख दिया, ये सब अवैध है। क्यों आप अपनी गाड़ी पर न्यायाधीश नहीं लिख सकते? क्योंकि कोर्ट कह दिया कि जब तुम गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो क्या तुम न्याय का काम कर रहे हो, और जब तुम न्याय का काम नहीं कर रहे हो तो तुम न्यायाधीश कैसे हो? तो तुमने अपने गाड़ी पर न्यायाधीश कैसे लिख दिया? यही तो वो कह रहा है, न्यायाधीश तब माना जाएगा जब वो न्यायांकित कार्य कर रहा है। आप बात समझ पाए मेरी? एक व्यक्ति जिसे न्याय करने के लिए ताकत दी गई है, उसको सशक्त किया गया है, अगर वो न्याय के कार्य कर रहा है तभी वो न्यायाधीश है। तो न्यायालय की क्या डेफिनेशन है, क्वेश्चन मैं बना दूं आपके लिए, न्यायालय की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है न्यायालय की, है बताओ? चार दीवारों से युक्त एक कमरा जिसमें न्यायाधीश बैठा न्याय का कार्य कर रहा है। नहीं जी, चार दीवारों की तो बात ही नहीं हो रही है। न्याय के लिए सशक्त एक या अधिक न्यायाधीशों का पैनल जो न्यायांकित कार्य कर रहा है, ये ठीक है बिल्कुल, एक या अधिक लोगों का पैनल जो न्याय का कार्य कर रहा है, चाहे वो सड़क पे बैठ के कर रहा है, चाहे वो पार्क में बैठ के न्याय दे रहा है, चाहे वो किसी स्कूल में बैठ के न्याय दे रहा है, चाहे वो कहीं किसी ऑफिस में बैठ के न्याय दे रहा है, जिस समय वो न्याय का कार्य कर रहा है उसी समय वो न्यायाधीश है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं भाई? ट्रांसफर नहीं होगा डेविड टिम, आपको पढ़ना पड़ेगा उसी बैच को जो आपने लिया है। हाँ वो ले लो, वो ले लो, जो 48 क्लास मैंने दी है बैच में वो तो ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, चेंज इसमें हुआ है। अब इसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे तो मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं सेक्शन नंबर 4, जरा ध्यान दीजिएगा। ये तो देखो पूरी की पूरी ये परिभाषाएं आ रही हैं, अभी परिभाषाएं चल रही हैं, और इनमें जब आप देखेंगे तो लास्ट में 38 के आसपास सेक्शन नंबर 2 में कुल परिभाषाएं दी गई हैं। अब देखना जरा सेक्शन नंबर 4, पुराने को भूल जाओ, पुराने में किसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको दिमाग से निकाल दो, अगर किसी के दिमाग में है भाई तो वो अपने आप को कंफ्यूज करेगा केवल। यहां सेक्शन नंबर 4 देखिए, सेक्शन नंबर 4 अध्याय नंबर 2 दंड के विषय में प्रावधान करता है, यानी चैप्टर नंबर 2 जो है वो पनिशमेंट्स की बात करता है, और सेक्शन नंबर 4 जो है वो दंड यानी पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन से सेक्शन में दंड दिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर सेक्शन नंबर 4 में दिए गए, बिल्कुल ठीक बात है जी। कितने प्रकार के दंड दिए गए, चलो मैंने इसको छिपा लिया, आप में से किसी को पुरानी अगर आईपीसी याद है तो मुझे बताइए कितने प्रकार के दंड थे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कितने प्रकार के दंड थे, इसको तो मैं सामने खड़ा हो गया, कितने प्रकार के दंड थे बताओ, बहुत अच्छा बैच है वो योगेश, वेलकम, अच्छा तो हम पढ़ाते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रांसफर वाला टाइम गया आप बिल्कुल। अरे बताओ भाई पुरानी आईपीसी में कितने प्रकार के दंड पढ़े थे तुमने, भाई इतना बता दो कितने प्रकार के दंड पढ़े थे, कितने प्रकार के दंड होते थे? 3 प्रकार के दंड होते थे पृथ्वीराज, 3 प्रकार के दंड होते थे। अच्छा सुमन ने 6 प्रकार के बताए हैं, जस्ट डबल कर दिया सुमन ने। बोलो भाई आंसर मैं तुमसे लेना चाह रहा हूं, पढ़े ही नहीं है, चलो जिसने पढ़ा है, पुराने बच्चों ने
बहुत सारे बच्चों ने पहले पेपर दिया था या उन्होंने आईपीसी पढ़ी थी। अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, कुछ तो आंसर, 2 4 5 10 कुछ तो आंसर लगा दो। नहीं लगाओगे? जो बच्चे बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, अभी भी लगातार हमारे पास मैसेज आए जा रहे हैं, फोन बजे जा रहा है मेरा और तुम्हारे, सबके वही मैसेज है, डिस्काउंट कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। भाई कल रात 8 बजे मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, कल रात की वीडियो देख लो, जो पोस्टर मैंने अभी दिखाया था। ठाकुर मैं कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, रुक जा भाई, अभी बंद कर रहा हूँ, तुझे पेट में दर्द हो गया, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, बस इस लास्ट क्वेश्चन को बता दूं, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। देखो, 6 प्रकार के दंड होते हैं और यहां भी उन 6 प्रकार के दंडों का जो वो है वो किया गया, हालांकि इसमें एक दंड और बढ़ा दिया गया, तो वो क्या है वो समझो। तो 4 सेक्शन नंबर 4 जो है वो दंड की परिभाषा देता है, 6 प्रकार के दंड होते हैं, उसको ध्यान देना। अरे नहीं पढ़ा रहा हूं, दो यार चीजें बता रहा हूं, कहां पढ़ा रहा हूं निषाद, हद है तुमसे भाई, तुम तो मेरी जान ले लोगे। तुम किसी और टीचर को भी बोलते हो ऐसा? तुम जब और चैनल्स पे पढ़ते हो, तुम मेरे ही पीछे पड़े रहते हो सारे के सारे, या किसी और टीचर को भी बोलते हो जी यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हो तुम? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने इतने यूट्यूब चैनल पे, मैं भी टीचर्स की क्लासेस देखता रहता हूँ कौन क्या पढ़ा रहा है, पर मैंने वहां कभी किसी बच्चे को ये नहीं देखा कि कोई बच्चा टीचर को ये कहता हो यूट्यूब पे आके कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ बंद करो पढ़ाना। अरुण मुझे बताओ, तुम कहते हो किसी को ऐसा? तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो भी सारे के सारे, जिसको देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है, ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा क्या पढ़ा देता हूं मैं, ऐसा क्या पढ़ा देता हूं मैं, मुझे समझ नहीं आता है? मैं पढ़ाने आता हूं और वो कमाने आते हैं। क्या बात कर रहा है पृथ्वीराज? छठा मैं बताऊंगा ना, पहले 5 थे दीपिशिखा, अब 6 बताऊंगा, अब 5 छठा बताऊंगा, पहले 5 हुआ करते थे, अब 6 बताने वाला हूं। देखो तो पहला क्या है, बस आखिरी बात सुन लो, जैसे सेक्शन नंबर 4 मैं मोटा मोटा आपको लिख के बता रहा हूं, इसका कह दे रखा है मृत्यु, तो ठीक है भाई, किसी को हमने डेथ पेनल्टी दे दी, यानी कि उसको हमने मृत्यु दंड दे दिया, तो हमने कहा कि वो हमारा सजा नंबर 1 हो गई, पनिशमेंट नंबर 1 हो गया। फिर खे में क्या दे रखा है, तो खे में कहा आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, तो ये तो आप जानते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब, अच्छा बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि आजीवन कारावास को जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आजीवन कारावास 14 साल की सजा, आजीवन कारावास 20 साल की सजा, ऐसा नहीं होता, आप लोग गलत पढ़ते हैं, इन फिल्मों के चक्कर में मत पड़ा करना कभी भी। आजीवन कारावास, किसी को अगर आजीवन कारावास हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जब तक उसकी सांस है, आजीवन, जब तक जीवन है तब तक जेल में रहेगा, तो आजीवन कारावास का मतलब है कि अंतिम मृत्यु जो है, मृत्यु की जो घड़ी है, मृत्यु जो होगी वो जेल में होगी। कभी 14 वर्ष 20 वर्ष फिल्मों के चक्कर में मत पड़ना, वो 14 वर्ष 20 वर्ष क्या है वो मैं बताऊंगा कि कब लघुकरण किया जाएगा और आजीवन कारावास को 14 साल कहा जाएगा, कब भिन्नों की परिभाषा ली जाएगी, भिन्नों के रूप में उसको 20 वर्ष कहा जाएगा, वो अलग अलग बातें हैं। नंबर तीन होता है, मतलब गै, इसमें दिया गया है गै में, जिसे कहते हैं सीधा कारावास। अब कारावास और आजीवन कारावास में अंतर है, ये पूरे जीवन के लिए है, यहां कारावास 2 4 साल, 5 5 साल, 10 साल, 15 साल का हो सकता है। गौर से सुनो, कारावास 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर, एक होता है सामान्य। तो कारावास 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक होता है सादा, एक होता है कठोर। अब कठोर और सादे में क्या अंतर होता है? कठोर का मतलब है जहां उससे परिश्रम करवाया जाएगा, पत्थर तोड़वाए जाएंगे, जहां उससे मेहनत करवाई जाएगी, यानी श्रम के साथ। तो कठोर कारावास जो श्रम के साथ होता है, श्रम के साथ, उसे कठोर बोलते हैं। और जो सामान्य सादा है, मतलब उससे नॉर्मल आप काम करा लेंगे छोटे मोटे, लेकिन आप उससे पत्थर नहीं तोड़वाएंगे, है ना, आप उससे कठोर कार्य नहीं करवाएंगे। तो ये जो है ये बेसिकली बड़े अपराधियों को दिए जाते हैं, और कोई व्यक्ति गलती से फंस गया, गलती से क्राइम कर दिया है, सामान्य कोई अपराध है, तो उसको सादा कारावास दिया जाता है। अब आपने कहा जी हमने तो 5 ही पढ़े, अब देखना जरा गौर से कौन सा बढ़ गया। उसके बाद में आप यहां देखेंगे अगला घे जो है वो है संपत्ति का संपहरण, यही समझा रहा हूं, संपत्ति का संपहरण, संपत्ति को अटैच कर लेना। आपने सुना ना कि गवर्नमेंट ने उसकी कुर्की कर ली, सुनते कि नहीं सुनते, उसके घर की कुड़की हो गई,
गवर्नमेंट ने उसका घर कब्जा लिया, विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या की सारी संपत्ति गवर्नमेंट ने अटैच कर दी, अपने पास रख ली, समझ रहे हो। अब वो संपत्ति गवर्नमेंट की है, कोई किसी के पैसे लेके भाग गया उसकी संपत्ति अटैच कर दी गई, कुड़की जिसे बोलते हैं आप सामान्य भाषा में। डे जो है वो जुर्माना है, ध्यान दे रहे हैं। तो ये तो है संपत्ति का संपहरण, एक है जुर्माना यानी आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी, रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी और छोड़ दिया जाएगा। एक आखिरी जो बड़ा घ है वो देखो सामुदायिक सेवा, ये गौर से देखो सामुदायिक सेवा का क्या अर्थ है। जैसे पब्लिक प्लेस में किसी ने सिगरेट पी ली, अब ये अपराध है, पब्लिक प्लेस में आप जो है सिगरेट नहीं पी सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। कोर्ट के सामने गया मामला, जी इसका कैमरे में आया आदमी ने पब्लिक प्लेस में सिगरेट करी है, सिगरेट पी, कोई व्यक्ति लगातार बेल्ट ना लगा के गाड़ी चला रहा है, उस पर जुर्माना हो गया, एक दो बार उसके चालान उलान कट गए, वो फिर भी नहीं मान रहा, बेल्ट ना लगा के जा रहा है, कोर्ट में ले गए उठा के, चालान उलान उसका जब्त कर दिया, गाड़ी जब्त कर ली। कोर्ट कहेगा भाई इसे सजा क्या दे, 6 महीने दें क्या सिगरेट पीने के लिए या गाड़ी ना लगाने के लिए? तो उसे कहेगा भाई तुझे अकल नहीं आ रही, चल एक काम कर, तू जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारे में तू जाएगा, या तू मंदिर में जाएगा, या तू मस्जिद में जाएगा, या तू किसी सोसाइटी में जाएगा, और वहां जाके जो वो बड़े बूढ़े हैं, अनाथ हैं, बच्चे हैं गुरुद्वारे के जो वहां हैं, वहां तू जाके सेवा करेगा रोज सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, वहां तू बर्तन उठाएगा, वहां तू रोटियां बनवाएगा, वहां तू सारे काम करेगा, यानी सामुदायिक सेवा। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो किसी को दंड ना देके किसी को अपने दंड के लिए एक पश्चाताप करने का एक मौका देना है, उसको समझ पैदा करने का मौका देना है। तो ये कोई सजा थोड़ी ना है, ये तो उसको केवल एहसास दिलाना है कि आपने कुछ गलत किया है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आज मेरे पास पीडीएफ भी नहीं है और गला भी मेरा खराब है, तो आज क्लास लगी हुई थी तो मैं यूट्यूब पे आ गया, वरना जनरली मैं रोज रोज यूट्यूब पे नहीं आता, क्योंकि पूरे दिन एप्लीकेशन पे पढ़ा के 3-4 क्लासों में गला खराब रहता है और मेरे साथ गले में दिक्कत रहती है। हाँ जी, तो मेरा ऑफर चल रहा है, जो बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, मैं बता रहा हूं कल वाली वीडियो को जाके देख लो, इस वाले कल की ये वीडियो है, ये वाला पोस्टर कल का लगा हुआ है और इस पे मैंने कल सारी चीजें बताई थी। बार बार मुझे मत फोन करो, मत मैसेज करो कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। ये सारा कुछ मेरा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो नए वाले हैं वो बैचेस में चलेंगे, जो बच्चे नए मुझसे जुड़ रहे हैं परेशान ना हो, ये सारी चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ाई हैं, बस अभी पॉलिटी चल रही है और अधिनियम की 48 क्लासें पढ़ाई हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो बच्चों, खुश रहो, बढ़िया से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, और सितारे लगवाने हैं इस बार, टारगेट आपको पता है, रैंक के लिए पढ़ना है, 160 से 160 का टारगेट बनाना है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट, थैंक यू ऑल। हाँ ऐप में ही चलेगी, बंद कर दी भैया, बंद कर दी, मत लड़ो मुझसे, मुझसे मत लड़ो तुम कि तुम यहां क्यों पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तुम्हें एप्लीकेशन पे ही पढ़ाऊंगा, वरना तुम मुझे ये कहोगे जी हमसे पैसे ले लिए, ऐप पे यहां पे फ्री पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ा रहा हूं, वहीं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, थैंक यू। हाँ शालू, अरे ठाकुर शैलू, मैंने बता दिया बेटा, वो तो महिलाओं के खिलाफ है, बच्चों के खिलाफ है, वो तो लेने ही है, जो 48 क्लास मूल विधि की पढ़ाई है वो तो लेनी ही है, वो इससे अलग है आईपीसी सीआरपीसी से, वो तो लेना ही है। थैंक यू सो मच।